करेंगे हम नीम की दातुन। सुबह सुबह अभी प्रैक्टिस आया और भाई कैसे कैसे करना है, कैसे बनाओ फिर पढ़ रहा हूँ भाई मैं अभी। पहले उसको कोमल बनाओ, पहले उसको कोमल बनाओ, फिर दांत रगड़ो। हाँ तो आज करते हैं हम नीम की दातुन। ठीक है ब्रो, बाय। मजाने लगा इन हवाओं में, आजा चले पहाड़ों की बाहों में, भटक सा गया हूँ इन राहों में, मजाने लगा इन फिजाओं में, इन पहाड़ों में सुख सा भुला जो दुख था, बैठा मैं चुप सा कभी ना रुकता, बादल ना झुकता हवारा रुक सा, मैं मुसाफिर हूँ खुश सा। ब्रेकफास्ट में ठीक है, कर्कड़ कंजी पायर तेंगा चमंदी प्लाविला प्लाविला करंडी को। तो भाई जो भी भाई ने बोला वो सारी चीजें हैं, और मेरे को थोड़ा नहीं खाया जा रहा है मेरे से, तो मैं अपना बंद और दूध लेके आया हूँ। प्रदीप भाई ने ऑर्डर स्टार्ट कर दिया है और अब हम जा रहे हैं एक और नए टेम्पल। तेल खत्म जी आप हो रहा वेट। निकल गए भाई, अभी पेट्रोल हो गया खत्म भाई, तो एक पेट्रोल पंप से एक बंदा ऑटो वाला और गया, तो वो पेट्रोल लेके आएगा। अभी अपन यहाँ पे कर रहे हैं इंतजार। और ये प्रदीप भाई आ चुके हैं पेट्रोल लेके, 1 किलोमीटर तक पैदल जाके वापस एट लास्ट हमारा पेट्रोल आ चुका है। पेट्रोल नहीं सॉरी डीजल, हाँ डीजल डीजल, और अब डलेगा डीजल गाड़ी में और अपन जाएंगे थोड़ा सा आगे। बूम बूम, चलो भाई डीजल डाल दिया जाए। तो डीजल भर चुका है और अभी अपन जाते हैं फिर टेंपल को। पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, एक टेम्पल है, नियरेस्ट टेम्पल है, मेरे को नाम नहीं पता इस टेम्पल का, बस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टेम्पल है। और यहाँ पे साथ कुछ पूजा वगैरह चल रही है, कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा है, तो मैं सही टाइम पे आया हूँ बिल्कुल। और हेलो, सो अभी हूँ मैं कौन सा टेम्पल है, दिस इज आवर किलकुंद टावर चंबल क्षेत्र। तो ये कौन से देवता है भगवान का टेम्पल है, भद्रकाली का टेम्पल है। और अभी मैं फर्स्ट टाइम आया ब्रो, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल। तो अभी यहाँ पे रामायण पढ़ी जा रही है, यहाँ पे भाई रामायण पढ़ रहे हैं, और रामायण इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अभी सावन का महीना है, यहाँ पे भी कोई एक स्पेशल मंथ बोला जाता है, मैं नाम भूल गया मैंने बताया था आपको। अभी रामायण यहाँ पे पढ़ी जा रही है और मैं मत्था टेक के आता हूँ। विदाउट मुंडू मैं अंदर नहीं जा सकता, मतलब टेम्पल के आर पार घूम सकता हूँ, बिल्कुल अंदर जाने के लिए मेरे को मुंडू पहन के आना पड़ेगा। ಪಾದಾಮೇ ಭಕ್ತಜೀರೋ ಭಜತಿ ವಿಲಸತಾ ಜಗಿರದನ ಜಿಡಾ ಸುಪ್ರಸಾದಂ ವಜಂದೇ
ജാദാത്രേ ദാഗ്ദാ ദാവമിലകിലകലോ സംഭവം കാമയന്തേ ദൈവാതത്രൈവ ജാദാന്വിഷയ വിദ്വിഷരസേ മാവിഭോ വഞ്ചയാസ്മാൻ ഭക്താസ്താവത്ഖലോ ശുദ്രമിളവി ഭുവിതോ ഭൂരിശാസ്ത്രത്ര ചോച്ചേ കാവേരിം താമ്രപർണീ മനുവിലകൃതമാലാം ച പുണ്യാം പ്രതീചിം ഹാ മാമേ മാമപ്പേതന്തർഭവമഭിജ വിഭോ കിഞ്ചിദഞ്ചദ്രസം ത്വാ अभी परिक्रमा कर रहे हैं भाई और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल टेंपल है. व्हाट इज दिस कॉल्ड? नागा देवता. वहाँ पे ये जो है ये नागा देवता सारी मूर्तियाँ, जैसे हमारे में नाग देवता होते हैं इनकी सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे. और यहाँ पे भी हम माथा टेक लेते हैं. हम आ रखे हैं यहाँ पे टेंपल में और टेंपल का दर्शन हमने कर ली, परिक्रमा कर ली. अब हम खाने जा रहे हैं यहाँ पे भंडारा. अपने यहाँ पे भंडारा बोलते हैं, इनके पता नहीं कुछ और बोलते होंगे. चलो भाई भंडारा लंगर चखते हैं. अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम खाना खा रहे हैं. खाना खा रहे हैं भाई. खाना खाने के बाद मैं बात करता हूँ थोड़ी सी. यहाँ पे जो भी डिश है मैंने कुर्च बोल के बहुत ही ज़्यादा खा लिया. कुर्च का मतलब होता थोड़ा थोड़ा, ठीक है. और बहुत ही टेस्टी खाना बना था भाई भंडारे में, ठीक है. व्हाट यू कॉल दिस? लाइक वी कॉल इट भंडारा, व्हाट यू गाइस कॉल इट? लाइक अन्नदान. ओके, तो अन्नदान अभी जो मिला हमारे को, हमने अन्न को ग्रहण किया अच्छे से. और अन्नदान महाद्वार. कैन यू से इट अगेन? अन्नदान महादान. तो अन्नदान महादान, एक भाई थे उन्होंने मेरे को बताया कि आप किसी को पैसा दो तो पैसा तो भाई फिर लोग मांगते ही रहेंगे, बट अगर आप किसी को अन्न दो तो वो दान ऐसा दान होता है कि एक बार आप इंसान का पेट भर जाए तो उसके बाद वो कभी नहीं मांगेगा, और मांगेगा भी तो सिर्फ अन्न. तो बहुत अच्छी लाइन्स थी, मैं अच्छे से शायद समझा नहीं पाया, पर बहुत अच्छा लगा मेरे को ये बातें सुन के. और मेरा पहला एक्सपीरियंस था यहाँ पे भंडारा खाने का. तो अभी मैं जूस पीने आया था यहाँ पे शायद भाई की शॉप में, और शायद अपने यहाँ पे बढ़िया दोस्त बन चुका है. इसी की शॉप में आता हूँ हमेशा, यहाँ पे अपना जूस वगैरह मिले अवेलेबल. और अभी जा रहा हूँ मैं वापस गुरु को मिलते हैं. आज का दिन बहुत ऐसा रहा, आज हमने बहुत से डिफरेंट टेम्पल विजिट किए, तो एट लास्ट हम पहुंच चुके हैं गुरुकुल. तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. नेक्स्ट व्लॉग में शायद हम किसी नई लोकेशन पे जाएंगे. सो थैंक यू सो मच, वैसे ही बने रहें, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें. सो थैंक यू सो मच एंड बाय.